वालेकुम, आज मैं आप लोगों के लिए फिर लाया हूँ एक न्यू डिश सूप सर्दियों के लिए। ज़रूरत सर्दी हैं तो इसमें ज़्यादातर जो है सोचा सूप बनाऊँ, तो आज मैं बना रहा हूँ हॉट एंड सावर सूप। ठीक है, ये इसके लिए इस वक्त बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने चिकन कोन की तरह का बनाया था, तो बाकी चीज़ें इसकी अलग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 2 से 2.5 लीटर जो है हमने लिए पानी, उसमें 1/2 kg हमने चिकन, अच्छा इसमें बिल्कुल वही होगा ग्रीन ओनियन, ठीक है, दूसरे ओनियन लिए, इसमें हमने कैरेट लिए और इसमें ये लिए हमने गार्लिक, ये सब जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक में, और साथ ही हम इसमें कटर मिर्च जो है वो मैं इसमें यूज करूँ। अगर आप इसमें चाहें तो आपके पास साबुत मिर्च हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, इसको हम चला देंगे और ये जब अच्छी तरह ये चिकन बॉईल हो जाएगी और थोड़ा सा इसका पानी कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम इसका दूसरी चीज़ें रेडी करेंगे। हमारा स्टॉक रेडी है, अब इसको हम छान लेंगे। चिकन स्टॉक को हमने छान लिया, अब इसको दोबारा हम चूल्हे पर रखेंगे पकने के लिए। अब थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे, जब बॉयल होने लगेगा फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जब बॉयल होने लगे तो आप ये हटा दें छन्नी से, नमक, काली मिर्च कुटी हुई, चिल्ली गार्लिक सॉस, अगर आपके पास चिल्ली गार्लिक सॉस हो वो ऐड करें, वरना हॉट सॉस है तो वो आप ऐड कर दें। केचप 1/3 कप जो है वो केचप, और 1/3 कप जो है वो आपने चिल्ली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस, दोनों में से कोई एक हो वो आप इसमें ऐड कर दें। अब 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी डाल के, 1/2 कप पानी डाल के आप इसको डिसॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, ये गाढ़ा होता चला जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट में आपने इसमें कैबेज जूलियन स्टाइल में और कैरेट ये ऐड कर देनी है। लास्ट में 2 अंडे लेने हैं और आपने उसको मिक्स करके आपने इसको डाल देना, थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना, ये खुद ही पक के ऊपर आ जाएंगे। देखिए ये हो गया, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हॉट एंड सावर सूप रेडी हो गया, अब इसको हम सर्व करेंगे। चलिए ये हमारा सूप रेडी हो गया, और अब इसको डाल के और सिरका सोया सॉस जो भी है आपको अपने एक टेस्ट बना के और आप इसको इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। ये इसमें मैं ज़रूर डालता हूँ मिक्स करके।